मेरे फादर पूरनवल जी, शुरुआत में हमें जो जानकारी मिली किडनी में इनके सिस्ट थी, गांठ थी, जिसके लिए हम यशोदा हॉस्पिटल में डॉक्टर विकास कुमार बंसल जी से कंसल्ट किया। इसके बाद में बताने को उन्होंने बताया कि इसकी सर्जरी की जाएगी, जिसका उन्होंने प्लान रोबोटिक सर्जरी के लिए किया गया। रोबोटिक सर्जरी में उन्होंने डॉक्टर प्रदीप प्रकाश सर को ऐड किया। श्री पूरनमल जी हमारे पास बाएं गुर्दे में गांठ की शिकायत के साथ मिले थे, जिसके लिए हमने उन्हें रोबोटिक सर्जरी की सलाह दी थी। रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट को छोटे इंसिजन्स लगते हैं, कम ब्लड लॉस होता है, कम इन्फेक्शन होता है, पेशेंट जल्दी खाना पीना शुरू करता है और जल्दी घर जाता है। ये सारे एडवांटेज बताने के बाद हमने उनकी सर्जरी की। उन दोनों रोबोटिक सर्जरी के लिए संजय नगर यशोदा हॉस्पिटल में हमारी रोबोटिक सर्जरी की, जिसका सफल ऑपरेशन हुआ। जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल, उन्हें सर्जरी के अगले दिन ही खाना पीना शुरू किया और सर्जरी के दूसरे दिन वो डिस्चार्ज होके घर चले गए। बिल्कुल जो एकदम परफेक्ट रिकवरी उनकी हुई बिकॉज ऑफ रोबोटिक सर्जरी। हमें दोनों डॉक्टरों का अनुभव और यहाँ के स्टाफ नर्स का, सभी का अच्छा व्यवहार और सभी का हमें सहयोग प्राप्त हुआ, इसके लिए हम पूरे स्टाफ का, डॉक्टर साहब का धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी कैंसर सर्जरी में आज के मरीजों के लिए एक वरदान की तरह है, जिसमें छोटे इंसिजन्स, कम इन्फेक्शन, कम ब्लड लॉस की वजह से मरीज की जल्दी रिकवरी होता है और वो जल्दी अपने परिवार के साथ जा पाते हैं।